आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिंदी, हमारी खबर दिखाती है असर। सर आज आप काम को रहेंगे सबसे पहले प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जितने भी जनता हमारे पास जन समस्याएँ को लेकर के आएंगे उसकी जो समस्याओं का समयबद्ध रूप में निस्तारण, विधिवत निस्तारण और प्रॉपर सुनवाई, और साथ साथ शासन के द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रही उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आखिरी लाभार्थी तक उसके लाभ पहुंचाए जा सके, और जो अति महत्वाकांक्षी योजनाएं जो कानपुर शहर में जो शासन के द्वारा संचालन किया जा रहा है, चाहे वो मेट्रो रेल की परियोजना हो या एयरपोर्ट की परियोजना हो, उसका समयबद्ध रूप में उसका पूर्ण कराकर उसके क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रशासन की तरफ से जो भी यथासंभव जो अरेंजमेंट्स करना होगा वो सुनिश्चित किया। सर कानपुर में डेंगू का मतलब मैं अभी आते ही सीडीओ साहब और टीम के साथ अभी डिस्कशन हुआ है, जहाँ तक जो जानकारी में है तो वो प्रशासन के द्वारा कल स्पेशलिस्ट टीम को भेज करके सैंपल्स वगैरह जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो गाँव है वहाँ से सैंपल्स वगैरह कलेक्शन का कार्य किया गया है, और ये जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके इसके रेमेडियल मेजर्स को सुनिश्चित किया जाएगा। कोसौली गांव में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट भी निकल कर आ रहे हैं और कई मौतें भी हुई हैं और लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, उसको कैसे? इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है और टीम, जैसे मैंने अभी कहा है कि कल टीम विजिट किया गया था और कल मेडिकल कॉलेज के जो विशेषज्ञ टीम्स हैं और उसी के साथ साथ गाँव का भी निरीक्षण यथाशक्त करके वहाँ के जो समाधान इशू का समाधान करने की कोशिश किया जाए। कानपुर में सबसे ज़्यादा मामले निकल कर घूम अपने आप जा रहे हैं।